तब उनके डॉक्टर साहब के पिताजी और उनके लड़के आज उनसे मिलने आए और दवा लेने के लिए जब अपने लड़के के पास उनके पिताजी डॉक्टर साहब के गए तो देखे कि स्थिति कुछ और थी और बाहर से जो दरवाजा था वह बाहर से बंद था। चोट तो लगी है, आंख बिल्कुल खत्म हो गई है, यहाँ एक बगल है, खून वहाँ बहुत गिरा हुआ है, है। और यहाँ पीछे भी लगा हुआ है, चोट लगी है। हाँ, बढ़िया आदमी रहना, बहुत बढ़िया आदमी रहना। हाँ, बहुत हमने उधारे देते थे ना, नहीं पैसा रहता था तो उधारे दे देते थे, बहुत अच्छा आदमी थे, कुछ भी नहीं रहा। आप लोग जानते हैं नाम इनको, हमको पता नहीं है, हम बगल के रहने वाले हैं, लेकिन दारू पीते थे। जब दारू पीते थे तीन तीन चार चार दिन पीते थे, जब छोड़ देते थे दस दस दिन नहीं पीते थे, लेकिन जब पीते थे तो ज्यादा पीते थे। कल से सुबह से दारू पिए हुए थे और रात में क्या हुआ, हम लोग 10 बजे के बाद यहाँ सो जाते हैं, रात की घटना क्या हो। शटर बाहर से बंद था तो हम लोग अंदर गए, फिर देखे वो चेयर पे मतलब पड़े हुए थे, तो उनको हम लोग देखे, तो फिर हम देखे, फिर उसके बाद यहाँ फुआ के पास फोन किए, तब वो सब आए। दीपक को फ्री में इलाज भी करते थे, जिसको लेकर के आज उनके जाने की गम पूरी तरीके से है। लोग ये कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल, अदाब, गौर लागतानी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, पहुँचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर के पौली विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गागरगाड़ में। और गागरगाड़ में एक डॉक्टर साहब अपन छोट के क्लिनिक धैले रहना हमें और अपन गुजर बसर वही क्लिनिक से चलावता हमें, जेके लेकर के संदिग्ध परिस्थिति में उनकर मौत हो जात बा। और मौत का सूचना जैसे परिजन के मिलल तो परिजन अवाक रह गए और पूरे क्षेत्र में मातम छा गए बा। आपकी दिखावत नहीं पूरी तरीके से, आप देखा था कि वह छोटी सी क्लिनिक जो दिख रहा है वहाँ पे डॉक्टर साहब दुकान कई वर्षों से खोले हुए थे और यहीं पे मरीजों को देख रेख करते थे और दवा दारू दवा वा करते थे। और जिसको लेकर के आज डॉक्टर साहब के पिताजी यहाँ पे आए हैं, इनसे हम जानकारी लेंगे कैसे क्या हुआ, कैसे आपको जानकारी हुई और कैसे पूरा क्या मामला था। हमें कोई जानकारी नहीं थी, हमें सिर्फ दवा लेना था, तो अपने छोटे नाती को लेकर के हमने सोचा चलो दवा ले लेंगे, अब उनको ले आएंगे तो कहीं गोरखपुर चेक करा के। किस बात, हमारे तकलीफी है, बीमारी है, इसको चेक कराएंगे आप? हम अपना चेक। अच्छा अच्छा, आप दवा कराने यहाँ आए थे? हाँ। उनको लेकर जाते तो आप अपना चेक कराते? अपना कहीं गोरखपुर या खलीलाबाद ले जाते, चेक कराते। क्या नाम है सर आपका? रामराज। रामराज कहाँ घर है? हरैया। हरैया ग्राम, हाँ हरैया ग्राम, ग्राम सभा पिडारी। अच्छा, पिडारी के रहने वाले। तो आप यहाँ पे आए तो क्या देखे आप? देखे दरवाजा बंद था, खोले। अच्छा। तो देखे अंदर कुर्सी पर, दरवाजा बाहर से कुंडी लगी थी कि अंदर से? बाहर से, करे बाबू वही खोला लड़का है। बाहर से बंद था है। तो देखने में कैसा लगा? अब हम लोग वहाँ पहुँचे तो तुरंत लड़का कुर्सी पर से देखा तो बिल्कुल नीचे मुड़ी थी, ये कुर्सी पर था है। तो हम लोग उठाए है। तो यानी उनको देखे वो के तो शक हुआ कि ये खत्म हो गए है। तो फिर फोन किए गोविंदगंज अपने लड़की के पास है। फिर वहाँ से हमारा नाती और लड़की भाग करके आए, फिर घर फोन किए। अच्छा, ये कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब दारू भी पीते थे? अब दारू तो कभी कभी पीते थे है। हाँ, कोई आपको देखने में कैसा लगा ये? हमें देखने में तो लगा कि ये दारू का तो चीज है नहीं। हाँ, क्या पता है? क्या कौन सा शक लगा रहे हैं अब? अब शक क्या लगा रहे हैं, अब हम किसको कुछ नहीं कह रहे हैं। हाँ, चोट चोट लगा कहीं उनके? ना ना, कोई इनको देखने में चोट लगा? और चोट तो लगी है, आंख बिल्कुल खत्म हो गई है, यहाँ एक बगल है, खून वहाँ बहुत गिरा हुआ है, है। और यहाँ पीछे भी लगा हुआ है, चोट लगी है। हाँ है। हाँ, यह देख सकते हैं, यह डॉक्टर साहब के पिताजी हैं, बता रहे हैं कि उनको चोट लगी है यहाँ आँख के पास, और आँख से पूरा ये पूरा चेहरा खत्म हो गया आँखों। यह अपने आज लड़के के पास आए थे दवा करवाने और सोचे कि इनके कुछ तबीयत खराब है, अगर यहाँ नहीं सही होगा तो अपने लड़के को लेकर के यह जाएंगे कहीं गोरखपुर खलीलाबाद दिखाएंगे, अच्छे से इलाज करवाएंगे। लेकिन क्या था, जब यह सोच के आज दवा कराएंगे और बेटा संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो जाएगी, जिसको लेकर के यह जब किसी बाप के सामने किसी बेटे की मौत हो जाती है तो दोबारा
सदमा हो जाता है, जिसको लेकर के यहाँ पे आपके भैया लोगन दिखावत आटे कि पीछे हमार सैकड़ों के संख्या में यहाँ भीड़ आएल बा। और आगे दिखावत आटे कि यहाँ पे उनका क्लिनिक रहल है और यहाँ पे कोने तरीके से संदिग्ध परिस्थिति में इनकर डॉक्टर साहब की मौत हो जाती है। यही डॉक्टर साहब का क्लिनिक है और यहाँ के लोग बता रहे हैं कि यह क्लिनिक पर जब उनके पिता उता जी आए तो लोग बताए कि यह बाहर से यह दरवाजा बंद था। हमसे ना कुछ बतियो ना वही बाल हमसे कुछ ना कुछ हमारा वीराना ये डॉक्टर साहब की बहन है। लोग यहाँ बता रहे हैं कि यह डॉक्टर साहब की क्लिनिक है। कहाँ घर है तुम्हार? हमारा घर तो हो अधिनाथ चौटा ही। डॉक्टर साहब के कितना दिन से जाने भी? अब जाने तो हम तो 10-12 साल से ना जाने ला हाँ और 20 साल से ऊपर हो गया भाई बन है डॉक्टर साहब के। हाँ डॉक्टर साहब कैसा आदमी रहना? बढ़िया आदमी रहना, बहुत बढ़िया आदमी रहना। हाँ बहुत उधारे देते थे ना, नहीं पैसा रहता था तो उधारे दे देते थे। बहुत अच्छा आदमी थे, कुछ भी नहीं रहा। आज कैसी कहा होगा डॉक्टर साहब? हम लोग नहीं जाने भैया, हम लोग बढ़िया में है, यहाँ भीड़ लगी हुई है। अच्छा आप दवाई आने आई हैं? नहीं, जैसा गोविंदगंज जाता है दवाई आने। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? नाम नहीं जानते चौहान। यहाँ पे और लोग बाटे, इनसे भी जानकारी करब। कहा हलवा कहाँ घर पड़ी? हमारा घर यहाँ नहीं है। ऐसी क्या पूरा का मामला है? मामला यह सर, डॉक्टर चौहान के नाम से लोग जानते हैं, नाम इनको हमको पता नहीं है। हम बगल के रहने वाले हैं, लेकिन दारू पीते थे। जब दारू पीते थे तीन तीन चार चार दिन पीते थे, जब छोड़ देते थे 10-10 दिन नहीं पीते थे। लेकिन जब पीते थे तो ज़्यादा पीते थे, कल से सुबह से दारू पिए हुए थे। और रात में क्या हुआ, हम लोग 10 बजे के बाद यहाँ सो जाते हैं। अब रात की घटना क्या, हमको यह देखा नहीं। ये घटना क्या रात में? ये घटना रात की है, क्योंकि लोग सुबह में आए यहाँ, दरवाजा वरवाजा दवा लेने के आए थे, वही लोग दरवाजा खुलवाए हैं। बाकी अब वही लोग बता सकते हैं घटना क्या है, लेकिन घटना रात की है। अच्छा, लोग बता रहे हैं, उनके परिजन बता रहे हैं कि जब हम लोग आए तो बाहर से कुंडी बंद था। अब वो तो यही बता सकते हैं, बाहर से अंदर से क्या है, जो लोग खोलेंगे वही लोग बता सकते हैं बाहर से बंद था या अंदर से बंद। यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह गाँव के लोग और यहाँ पे उपस्थित लोग से जब हमारी बात होती है सर, बात होती है, तो वह लोग किस तरह से किस नज़र से देखते हैं। लोगों ने अपने बयान किया, एक बड़े भाई हैं, इनसे भी जानकारी ले। नमस्कार सर। और आप देख सकते हैं और यहाँ पे और अन्य लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब को कब से जानते हैं आप? अरे हम बहुत पहले जान रहे हैं डॉक्टर साहब को है। बहुत सीधा साधा आदमी थे, बिना पैसा का भी इलाज कर देते थे गरीब आदमी का। कुछ लोग कह रहे हैं दारू पीते थे। अरे दारू पीते थे, लेकिन इतना बहुत दिन से पीते थे, कोई आज की घटना थोड़ी था कि दारू पी के मर जाएगा। अगर मर जाएगा तो घर में थोड़ी मर। दारू पी के इलाज कैसे करते थे तब? अरे तो नहीं करते थे दारू पी के किसी का इलाज, किसी को मना कर देते थे कि हम नहीं दवा करेंगे। अच्छा, हाँ इतना तो उनके पास थी दिमाग। हाँ तो जो जो देखने की जो स्थिति है वो कैसे? देखने का स्थिति है कि मर्डर हुआ हुआ है। अच्छा, हाँ कंफर्म, हाँ मारा गया। हाँ जब पुलिस आती थे वो क्या करते? अब पुलिस आई, हम तो थे नहीं, हम तो धनघटा थे। अब बाकी जानकारी तो हमको नहीं है आगे का। यहाँ पे और भी लोग हैं, नौजवान हैं, इनसे भी जानकारी ले। कैसे पूरा क्या मामला, कहाँ के रहने वाले? मैं इधर इसी गांव का। आप डॉक्टर साहब को कब से जानते हैं? मैं बचपन से ही। बचपन से डॉक्टर साहब का कैसा स्वभाव था? बहुत अच्छा था, हाँ सबके प्रति प्रेम भाव था। देखने के बाद कैसा लगा, जो जो आप लोग देखे तो कैसा? मैं अंदर नहीं गया, मैं सर पीछे के मतलब दरवाजे के पास गया था सर। यहाँ पे भाई लोग हम बता रहे हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर साहब के सामने क्लिनिक है। यहाँ पे लोग रो रहे हैं, उनके परिजन के परिजन है डॉक्टर साहब के, और यहाँ पे गांव क्षेत्र के लोग हैं। ये लोग बता रहे हैं कि कैसे क्या पूरा घटना घटी, जिसको लेकर के लोग जानकारी दे रहे हैं। ये डॉक्टर साहब के लड़के हैं, इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं। अरे बाबू कैसे आप जब आए अपने बाबा को लेकर के, तो दुकान पर क्या स्थिति यही था कि शटर बाहर से बंद था। अच्छा। तो हम लोग अंदर गए, फिर देखे वो चेयर पे मतलब पड़े हुए थे, तो उनको हम लोग देखे, तो फिर हम देखे, फिर उसके बाद यहाँ फुआ के पास फोन किए, तब वो सब आए। अच्छा, ये बाहर से बंद था? बाहर से बंद था। आप लोग खोल के अंदर गए? हम लोग खोल के अंदर गए, तो पुलिस को सूचना दिए, तो क्या हुआ? भैया आए थे, फिर वो पुलिस वुलिस को सूचना दिए, तब वो सब आके फिर जाँच कर रहे थे। यह देख सकते क्या नाम था? सुखचैन।
सुखचैन चौहान जी यहाँ पे गागरगार में लगातार कई वर्षों से प्लास्टिक करते थे और लोगों का इलाज करते थे। लोगों से जब मेरी बात हुई तो लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति थे और लोगों को गरीबों को फ्री में इलाज भी करते थे, जिसको लेकर के आज उनके जाने की गम पूरी तरीके से है। लोग कह रहे हैं कि वह बहुत अच्छे व्यक्ति थे और जब उनके डॉक्टर साहब के पिताजी और उनके लड़के आज उनसे मिलने आए और दवा लेने के लिए जब अपने लड़के के पास उनके पिताजी डॉक्टर साहब के गए तो देखे कि स्थिति कुछ और थी और बाहर से जो दरवाज़ा था वह बाहर से बंद था। जब यह लोग खोल करके अंदर गए तो चेयर पे देखे कि डॉक्टर साहब की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी थी। मौत की सूचना जैसे इन लोगों की हुई तो इनके परिजनों में कोहराम मच गया और इसकी सूचना लोगों ने स्थानीय थाने को दिया। मौके पर थाना प्रभारी आए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की तैयारी में जुट गए। अब देखने वाली बात है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के ही बाद चलेगा हत्या है कि आत्महत्या है, और पूरी रिपोर्ट आप लोगों के दिखाई बनल है चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।